4 से शुरू कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्यारा करेक्टर है, बहुत ही पॉलिटिशियन है, शिक्षा मंत्री है। जाहिर सी बात है अटल जी भूल के बाहर आए, आज जी हैं तो दर्शक क्या सोचेंगे? दर्शक यही सोचेंगे कोर्ट में जो है आज कुछ ना कुछ जो है केस कुछ गलत तो या कुछ अच्छा किए होंगे आज भी अभी कोर्ट में आए। ऐसा क्या काम करते हैं कि बार बार आपको कोर्ट आना पड़ता है? फिल्म में एक ऐसा सीन है जिसमें मैं पॉलिटिशियन हूँ और स्कूल चलाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि किसी और का स्कूल ना चले, कोई भी जो है स्कूल ना चले, मेरा स्कूल चले। उसके लिए मैंने बहुत सारे चीज़ें बहुत सारे विक्रम किए जिसमें एस्कम के हीरो खेसारी लाल जी, वो एक समाज सेवी टाइटल भी जो है आपने सस्ता में दिया, ये बिहार की कहानी है, बिहार की पृष्ठभूमि पर है, शिक्षा पर आधारित है फिल्म है, तो अच्छी बात है कि भोजपुरी में भी कुछ टॉपिक को लेके फिल्में बन रही हैं। तो भोजपुरी में मोस्टली फिल्में जो बनती हैं वो ज़्यादातर ठाकुर साहब, विधायक जी, मुखिया जी, इन्हीं सभी केंद्र बिंदु में ही सीमित हो जाती है, लेकिन अभी भोजपुरी में भी अच्छी अच्छी फिल्में और स्टोरी बेस्ड फिल्में बन रही हैं, अच्छा लग रहा है, काम करके भी अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है दर्शकों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। खेसारी जी ने अभी जिक्र कम से कम 20 फिल्में आपने किया है, कैसा अनुभव रहा है? बहुत अच्छा अनुभव रहा, वो हमेशा ही जो है बड़े जॉली मूड के स्टेट पे जो है जब भी रहते हैं कुछ लोगों के साथ उन्होंने इंटरव्यू भी दिया तो बड़े मतलब मस्त मौला और खुशनुमा माहौल बनाए रहते हैं। और मुझे लगता है कि ये ज़िंदगी 4 दिन की है, हर इंसान को खुश रहना चाहिए। इनकी हीरोइन है मनी भट्टाचार्य, उनके बारे में क्या कहते हैं? मनी जी भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत सारी फिल्में उन्होंने साथ किया, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हम लोग फिल्म के अलावा भी हम लोग एक्चुअली उनकी बातचीत करते रहते हैं, हाल चाल लेते रहते हैं, कहाँ पे क्या चल रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते रहते हैं, तो नो डाउट बहुत अच्छा नेचर उनका, एक्ट्रेस भी बहुत अच्छी है। फिल्म की डायरेक्टर, फिल्म के प्रोड्यूसर और डीओपी के बारे में क्या है, कैसे अनुभव रहा है, कैसे आप फिल्म? रवि सिन्हा जी की ये फिल्म है और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है अमित जी, अमित गुप्ता जी, उनकी तो ये मैं शायद दूसरी फिल्म कर रहा हूँ। अमित जी जो है कैप्टन वीडियो काफ़ी जो है ना जी पुरानी ये जो है जो कंपनी है और ये भी भोजपुरी फिल्म बनाना शुरू की है, तो बड़ी अच्छी बात है कि भोजपुरी में प्रोडक्शन जो है जो नए नए प्रोडक्शन नए नए प्रोड्यूसर आ रहे हैं, अच्छी बात है। और कैप्टन वीडियो बहुत पुरानी मतलब ये कंपनी है और पुरानी पुरानी कंपनियाँ और हिंदी कंपनी और बाहरी कंपनियाँ आ रही भोजपुरी फिल्में बना रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है हम सब के लिए। अयाज जी की ऑफिस कौन कौन सी फिल्में आने वाला? फिल्म तो बहुत सारी बन के फिल्म में जो कलाकार छोड़ रहे लोग, जाहिर सी बात है कहीं ऐसा तो नहीं है कि अयाज जी कोर्ट में हाजिर हुई है दुश्मन हमला की तैयारी? हाँ हाँ तैयारी चल रही है, तैयारी चल रही है, अभी जो है मुझे लगता है कि सीन की तैयारी चल रही थी, फायर हो रहा है ये गमत असली फायर नहीं है, फिल्म के लिए फायरिंग हो रही है। क्या सवाल था कि जो है कौन कौन सी फिल्में आने वाली हैं? फिल्में तो बहुत सारी आ रही हैं हमारी, में खेसारी जी के साथ भी जो 2-3 फिल्में बन गया है, पवन जी के साथ भी, दिनेश गांधी के साथ भी, अब कौन कौन सी फिल्में रिलीज होंगी, कौन कौन सी फिल्में पहले आएंगी, ये भी डिसाइड करना मुश्किल है क्योंकि अभी पूरी तरह सिनेमा हॉल ओपन हुआ नहीं है। एक आखिरी सवाल, आज कोर्ट से छूट जाएंगे यार जी? जी कोर्ट से छूटना है आज, तो कितना अपना पकड़ है कोर्ट में जी, अच्छा छूट जाएंगे, लेकिन ये फिल्मों के लिए है और हम सबको ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हम लोग कोर्ट में जाना पड़े, ये एक स्टोरी है जिससे हम लोग आप लोगों को दिखलाते हैं, परिभाषित करते हैं, बोलते हैं ना कि फिल्म समाज का आईना होता है, तो हम आईना दिखलाते हैं कि जो है गलत करेंगे, हमने गलत किया कोर्ट में तो आना पड़ा, तो हम सब ये निर्णय और निश्चय करें कि कोशिश करें गलत काम ना करें, हमें कोर्ट मुकदमा ये सब के लफड़ों में झंझटों में ना पड़ना पड़े। सच वर्क किया गया है और हमारे समाज में जो ताना बाना बना गया है, हमारे समाज में परिवेश में जो समस्या है उसको उठाया गया है, इसमें एजुकेशन का प्रॉब्लम है और बहुत सारे जो प्रॉब्लम है उसको ध्यान में रख करके मतलब एक अलग तरह की फिल्म है, अपनी एंटरटेनमेंट है इसमें, लेकिन मुद्दे की फिल्म है। खेसारी जी अपने आप को बोलते हैं बिहार का बेटा हूँ और सन ऑफ बिहार, क्या इसी वजह से टाइटल तो नहीं मिला उनको? नहीं ऐसे टाइटल नहीं मिला, सन ऑफ बिहार तो है, बिहार के हर आदमी के दिलों में राज करता है, सबके फेवरेट हैं।
आप डीओपी हैं, कितना अपने काम को लेकर चैलेंज मानते हैं खेसारी जी के साथ? खेसारी जी के साथ काम करना सही में चैलेंज है, उनको एक एक और एक एक सीन की पकड़ है और डिस्कस करते हैं, वो सेटिस्फाइड होते हैं कभी सोचते हैं, इसीलिए सब जनरल लोगों के साथ काम करने में नहीं सकता। वो होमवर्क करके आते हैं और चाहते हैं कि मेरे साथ में जो भी डायरेक्टर हो, कैमरामैन हो, उसका भी होमवर्क हो, फिल्म से पकड़ हो और वो अपनी लगन से। तो ये सब्जेक्ट जब सुना मैंने अनिल ठाकुर जी से, रवि सिन्हा जी से, तो मैंने कहा ये करना ही करना है। इस मूवी में खासियत ये थी कि एक संदेश है समाज के लिए, सिर्फ बिहार में नहीं, ये सारे हिंदुस्तान की समस्या है और मैं बचपन से समस्या को देख रहा हूँ। मैंने कहा ये करना ही करना है, पब्लिक के पास पहुँचना चाहिए सब्जेक्ट। सन ऑफ बिहार, ऐसे खेसारी जी को बोलते हैं मैं बिहार का बेटा हूँ और सन ऑफ बिहार, कितना टाइटल शूट करता हूँ और कितना कम खेसारी जी करता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, ये टाइटल एज ए स्टोरी उनके ऊपर शूट करता है और वो ये कर ही नहीं सकता कैरेक्टर प्ले, और प्लस वो इसके साथ बहुत न्याय करेंगे। इतना मुश्किल है खेसारी जी का डेट लेना? मुझे कोई मुश्किल नहीं, भीड़ भाड़ इलाके नहीं है ये, स्टूडियो है मुंबई का और यहाँ का आज फिल्म के मुहूर्त के साथ सुबह एक मिनट किसके जा रहे हैं? खाली सिनेमा में साथ देते हैं, रियल लाइफ में साथ? रियल लाइफ में सारी जी, तो अभी आपका नाम लिया नहीं कि महेश जी का फोन आया था नेपाल लड़ाने वाला काम चालू किया। और महेश भी कौन कौन सी फिल्में आने वाली है? काफी फिल्में मेरी आ रही है, खेसारी भाई के साथ फिल्म है, यश भाई के साथ सारे लोगों के साथ फिल्म आ रही है। इस नया साल में खेसारी और हम दर्शकों को हंसाने की जगह मिल रहा है 2022 में, जिसका नाम है सन ऑफ बिहार। थैंक यू सर। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।